कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने सहजनी गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। आपको बता दें, रामपुर मिलक तहसील के ग्राम पंचायत भंवर की के राम मेड़े की गौटिया का मेला लगा है। यह मेला गंगा स्नान और त्रिपुरा पूर्णिमा को लगता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना पवित्र माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि इस साल 8 नवंबर 2022 को हुई। कई जगह इसे गंगा स्नान और त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया, इसीलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सहजनी गंगा के किनारे राम मेड़े घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद मेले का जमकर आनंद लिया। आसपास के कई गांवों से लोगों अपने परिवार के साथ सुबह 5 बजे से आना शुरू हो गए। ये शिव पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के महंत लालगिरी ने बताया, यह राम मेड़े का मेला प्राचीन समय से लगता आया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मेला 250 वर्ष पहले से लगता आया है। इस मेले में जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। महंत लालगिरी बाबा ने बताया कि प्राचीन समय में ये यहाँ बहती गंगा में देवताओं ने मेड़ बांधी थी। इस गंगा में एक नाव चलती थी। देवताओं ने उस नाव चलाने वाले मल्लाह से कहा कि हमें गंगा पार करा दो, लेकिन मल्लाह ने देवताओं की बात नहीं मानी। तब सभी देवताओं ने इस बहती गंगा में मेड़ बांधना शुरू कर दी। देवताओं ने मल्लाह से कहा कि जा, तेरी नाव अब सूखे में चलेगी, क्योंकि देवताओं ने ये माना था हम बहती गंगा में मेड़ बांध लेंगे। जब देवताओं ने बहती गंगा में मेड़ बांधना शुरू किया तो मेड़ बांधते बांधते दिन निकल आया और सुबह हो गई और देवता मेड़ नहीं बांध पाए। तभी से ये कार्तिक पूर्णिमा का प्राचीन मेला लगता है। यहाँ लोगों की मुराद पूरी होती है। मंदिर के महंत लालगिरी बाबा ने यह भी बताया, किसी स्त्री को अगर कोई औलाद नहीं होती है तो वह स्त्री राम मेले के आकर सहजनी गंगा मैया में मेड़ बांधती है और अगले वर्ष तक गंगा मैया की कृपा से उन्हें बच्चे की प्राप्ति होती है। वह लोग अपने बच्चों का मुंडन भी यहाँ ही करवाते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ मांगते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे बातचीत और हमारे स्थानीय लोग हैं
जो सबसे पुराने लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर कुछ मेले के बारे में जानकारी अगर आप देना चाहते हैं तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सुमन जी गाँव पर रहने वाला हूँ और लगभग मेरी 40 साल और मैं यहाँ रहकर सेवा पुजारी करता हूँ। ये बहुत समय प्राचीन समय से ये मेरा लगता है और इसी में इसमें हमारे पूरे क्षेत्र का और पूरे हमारे गांव 20-50 गांव लगभग यहाँ लगते हैं तो इसमें सभी का सहयोग रहता है, सभी पहला शांति से करते हैं और इसमें हमारे पुलिस प्रशासन शासन का भी पूरा सहयोग रहता है और ये प्राचीन से मंदिर है, यहाँ राम मेले के नाम से भी बोला जाता है। यहाँ किसी समय में लगभग 250 वर्ष पूर्व यहाँ हमारी जो माता जी गंगा जी बह रही हैं उनका यहाँ एक मेड़ा बांधा गया था उसी समय में और मेड़ा बांध के लिए नदी बांध दी गई थी। ये सब पता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने भाव लेके आते हैं और यहाँ से अपने जो भी मांगते हैं वो यहाँ से आते हैं और ये अपने माध्यम से हमारा प्रशासन है, मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि इस मेले को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जाए इसको और ये बहुत समस्या हमारा रखा है इसमें और श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि हमारे इस मेले को आगे की व्यवस्था बढ़ाते हुए और इसके कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि हमारे मेले की तरफ थोड़ा सा ध्यान करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप समाज को इस मेले के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? समाज को क्या बताना चाहेंगे? समाज को ये बताना चाहेंगे कि हमारा हम लोग सनातनी हैं और हम सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य हमको हमारा सभी का दायित्व बनता है कि हम इसको सारे जितने धर्मों में आते हैं स्थल हैं हम उनका आदर सत्कार करते हुए उनको आगे मार्ग बढ़ाते हुए आगे लिए हम चलते रहें। सभी से ये निवेदन करूँगा कि हमें कुछ भी करना पड़ता है तो हम करते हैं और करेंगे। जैसा मित्रों आपने देखा कि रामपुर में ग्राम पंचायत भवन यहाँ राम मेले का हो गया था 200-250 वर्ष पुराना यहाँ का जारी है। काफ़ी समय से यहाँ मेले में शिव मंदिर बना है, जानकारी थी उसके मुताबिक सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम नीलाधर सुमन जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ग्राम पंचायत भवर की तहसील मिलक जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इस मेले के माध्यम से शासन व प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी व जिला अधिकारी रामपुर से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मेले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कराए जाएं, शासन प्रशासन की महान कृपा होगी। सर क्या कार्य आप चाहते हैं? कार्य हम ये चाहते हैं कि हमारे इस शिव मंदिर प्रांगण की कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, इसकी बाउंड्री होना चाहिए और जो हमारे मेला प्रांगण में जो जगह खाली पड़ी हैं इनमें साइड का थोड़ा सा टीन साइड का भी थोड़ा सा सहयोग हो जाना चाहिए सरकार की तरफ से और जो हमारे माता जी हमारी गंगा जी जो बह रही हैं मैं सरकार से ये निवेदन और विनती करूँगा कि वहाँ जो
जो घाट होते हैं उस घाट को बनवाने की कृपा करें और हमारे इस मेले की तरक्की को आगे बढ़ाएं। यही शासन और प्रशासन से मैं विनती निवेदन करूंगा। मैं इस शिव मंदिर का पुजारी भी होता हूं और मेरे श्री महंत श्री लालगिरी जी महाराज जी यहाँ के महंत हैं, काफ़ी इनका सहयोग रहता है, काफ़ी योगदान रहता है और हमारे क्षेत्र से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। गर्मी के समय में भी यहाँ दिक्कत होती है, कोई ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टीन सेट की व्यवस्था नहीं है। तो शासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि वो अपना सहयोग करके हमारे इस मंदिर के मेले का कुछ विस्तार बढ़ाएँ और इसके कार्य को आगे बढ़ाएँ। ज़्यादा ना कहकर इतना ही। जैसे सर अभी एक बात आपने कही कि यहाँ घाट बनाए जाएं, क्या अभी तक इस गंगा पर कोई पक्का घाट या कोई नहाने की व्यवस्था या घाट वगैरह है या नहीं है? इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ माताएं बहनें स्नान करती हैं और श्रद्धालु स्नान करते हैं, स्नान करने में बहुत दिक्कत आती है। कोई अभी तक ऐसी कोई घटना हुई जो स्नान करते समय किसी का बच्चा या बूढ़ा या कोई महिला या माता बहन कोई उस बह गई हो या कोई भीग गई हो, कोई हादसा वगैरह? इसमें ये हमारे जो मेड़े बाबा के नाम से ये जो आश्रम सिद्ध है, ये हमारे मेड़े बाबा की असीम असीम कृपा है कि अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। ये हमारे यहाँ का एक सत्यता है, सत्य है हमारे यहाँ का कि अभी कोई इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन शासन से यही निवेदन करेंगे कि अगर घाट अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या शुभ नाम है? विकास राजपूत जी। सर कहाँ से हैं आप? थाना कैंपटी। यहाँ आप मेला इंचार्ज हैं जी? जैसे कल से यहाँ मेला चल रहा है सर, क्या कुछ कहना चाहें, कोई किसी प्रकार की घटना घटी है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक मेला शांतिपूर्ण है जी। कोई भी चोरी या कोई घटना सामने नहीं आई है ऐसी, और सभी पुलिस वालों का साथियों का साथ मिल रहा है बढ़िया, और सभी अपना अपनी जिम्मेदारी अच्छी। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ प्रॉपर आवाज़ लग रही है, किसी का बच्चा और किसी का कुछ खो रहा है, तो अगर उनके बच्चे जिनके खो रहे हैं उन तक पहुंच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई रह जाता है इधर उधर हो जाता है मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।